देखो स्नो पॉट होटल जैसे देहरादून में भी थे, मनाली में भी नहीं है, वो तो खैर पूरे बर्फ़ के हैं, लेकिन ऐसे ही बना रखे स्नो पॉट्स, स्नो पॉट होटल है इसका नाम। मैं निकल गया मक्कू मठ से तुंगनाथ के लिए, एक घंटा डेढ़ घंटा लगेगा, कुछ नहीं 30 किलोमीटर है लगभग यहाँ से ना। तो चलो आपको मिलते हैं फिर तुंगनाथ पे। आपने दर्शन तो कर ही लिए होंगे मक्कू मठ में तुंगनाथ के, बट अभी वहाँ पे मंदिर के दर्शन कराऊंगा आपको कैसे हैं मंदिर, ठीक है। देखो पानी का झरना, वाओ, इतने सारे कैंप रहते हैं कहीं भी रहो, कैंपिंग करने के लिए भी बेस्ट लोकेशन है ये। बस चोपता आएगी हमें थोड़ा सा, रहिए देखो सारे कैंप लगे हुए, मस्त मस्त कैंप। यहाँ से बिल्कुल हाल को देखो ऊपर बर्फ, यहाँ से हाथ सुन्न हो गए बिल्कुल। एक और सीन, ऊपर पूरी बर्फ़ गिर रखी है, इधर भी बर्फ़ गिर रखी है, बस वो चोपता आ गया मेरी बाइक, वो सारी पहाड़ियाँ देखो कितना प्यारा, ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, पूरा बर्फ़ से ढक जाता है ये, वाओ। अब तो और बर्फ़ होगी, तुंगनाथ में जाएंगे वहाँ बर्फ़ होगी, चंद्रशिला में जाऊँगा वहाँ बर्फ़ होगी, बर्फ़ ही बर्फ़ है अब तो, पूरा देखो पूरा पहाड़ ढक लिया बर्फ़ से। पहुँच गया मैं तुंगनाथ, ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड, ठीक है, वो है ऊपर, यहाँ से ट्रैक करते हैं ऊपर के लिए, ठीक है, ये पूरा है। और आज के लिए देखता हूँ यहीं पे कहीं स्टे वगैरह का, आज यहाँ रुकता हूँ, फिर सुबह करूँगा कल सुबह तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी ज़रा रूम वगैरह लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे रहना है। तो पहुँच गया मैं तुंगनाथ, ये देखो मेरा रूम, ये है, ये मेरा रूम है, रूम लिया है, ये अंदर टॉयलेट है, ये मेरा रूम, और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। देखो सूरज बस डूबने ही वाला है, थोड़ा सा रह गया, और देखो पहाड़ियाँ, हाय मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। रूम ले लिया है ना, कल चलता हूँ, कल करूँगा सुबह तुंगनाथ, है ना, बहुत ठंडा हो रहा है। देखो इधर भी चारों तरफ बर्फ़ गिर रखी है, ये देखो शायद रात को फिर पड़ेगी, डेली पड़ती पड़ती है इधर बर्फ़, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा घूम घूम लेता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, रूम ले लिया, सुबह जाएंगे तुंगनाथ, तुंगनाथ का ट्रैक करूँगा, चंद्रशिला का ट्रैक करूँगा, ठीक है, उसके बाद वहाँ से वापस आऊँगा, तो कल शाम को ही मैं त्रियुगी नारायण के लिए चल दूँगा, त्रियुगी नारायण के लिए चलूँगा, उसके बाद वहाँ रात को स्टे करूँगा। तो यहाँ लगभग 800 से 1000 रुपये में रूम मिल जाता है कोई सा भी, है ना, बार्गेनिंग करके 800 तक आ जाते हैं, 700 तक आ जाते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपको पता है सबसे सब 800 1000 रहता है, अंदर फैसिलिटी सारी की सारी है। हाँ अगर ज़्यादा लोग हों, 5 से 10 लोग हों, तो रूम इजीली 100-200 रुपये का पड़ जाता है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा, रात को बॉन फायर करूँगा, आग जलाऊँगा, मस्त व्यू आएगा यार, मज़ा आएगा। हाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, बहुत भी नहीं हो रहा, बट हाँ ठीक ठाक हो रहा है ठंडा। उठ गया मैं सुबह,
है ना। नहा धो लिए, ठीक है, अब करते हैं नाश्ता, फिर करते हैं तुंगनाथ के दर्शन, तुंगनाथ का ट्रैक, चंद्रशिला का ट्रैक, मज़ा आने वाला है बहुत ही। देखो सुबह 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 चोपता में आइए, हमारे साथ हैं डॉगी, ये हमारे साथ रात भर रहे, शायद ट्रैक में भी जाएंगे, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। और डॉगी कुछ बोलो, हेलो, कैसे क्या चाह रहे हैं आप, भौंक रहे हैं। यहाँ यार लाइट ही नहीं है भयंकर, सोलर पावर से चलता है सब कुछ। पापा तो यार तुम ऑलमोस्ट हो ही गया हूँ, बस जैकेट पहननी है, निकलना है तुंगनाथ की तरफ को। चलो जल्दी नाश्ता वास्ता करता हूँ मैं, ठीक है, नाश्ता करता हूँ फिर चलते हैं ऊपर की ओर। चलो ट्रैक की स्टार्टिंग हो गई, अब करते हैं ट्रैक, ठीक है। ये यहाँ का एंट्रेंस, अरे बज जा रही घंटी, ये हो गया ट्रैक स्टार्ट, ठीक है। चल दिए हम ट्रैक की ओर, ट्रैक करने धीरे धीरे, हल्लू हल्लू, चलो। तो कैसे हैं आप लोग, नीचे का हाल देख रहे हो, वो वहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल बैठे थे पर्ची काटने के लिए, 150 रुपये की पर्ची है पर पर्सन, अगर आपको आना हो तो आ सकते हो 150 रुपये में, 150 रुपये में 3 दिन के लिए वैलिड रहती है ये, मतलब 3 दिन लगातार ट्रैक कर सकते हो 150 रुपये में, ठीक है। थोड़ा सा ही मैं आगे बढ़ाऊँ, अभी ज़्यादा नहीं है, चल रहे हैं। लट्ठा मैंने ले लिया है, जूते मैंने ले लिए हैं, क्योंकि मेरे जूते थोड़ा सा भीग जाते हैं ना यार, केदारकंठा जैसे, वो मैं गलती नहीं कर सकता, मेरा वो वाला व्लॉग देखना बहुत ही ख़तरनाक है, देख सकते हो, ठीक है, आई बटन में मैं दे दूँगा उसका लिंक। और हाँ मैं बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम का ऊपर आपको दिख रहा होगा यूज़र आईडी, जाके फॉलो कर लेना, बढ़िया बढ़िया रील्स हैं, बढ़िया बढ़िया फ़ोटोग्राफ्स में खींचता हूँ, है ना, और सारी इन्फॉर्मेशन उसी पे रहती ज़्यादातर, ठीक है। तो चलो आगे मिले आपसे, ठीक है। बहुत चढ़ाई भाई साहब, बहुत सारी बर्फ़, देखो बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है, और बर्फ़ में मैं तुंगनाथ की चढ़ाई कर रहा हूँ, देखो मैं एक बार सुबह चढ़ के आ चुका हूँ वहाँ पे, हाँ, इसलिए मुझे दोबारा चढ़ने में थोड़ी थकान लग रही है। नज़ारे नज़ारे ही नहीं ख़त्म हो रहे, देखो क्या है, हिमालयन रेंज दिख रही है। हाँ हो, हाँ खुदाई उदाई चल रही है इधर, बढ़िया अपनी ट्रैक के लिए। ये देख लो चंद्रशिला का पौराणिक महत्व, देख लो ये चंद्रशिला का पौराणिक महत्व, वो देखो इतना मैं चढ़ाया, वो देखो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, कितना बहुत ऊपर रह गया अभी तो लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर है, कहाँ से चल के आ गया मैं वापस। यह ट्रैक थोड़ा सा बचिया अभी, ये मेरे लाइफ का दूसरा स्नो ट्रैक है, एक केदारकंठा और एक वो, ये देखो ऐसे चमक रही है ना स्नो इसमें, ये देखो ये बहुत ही वो है, मतलब परसों ही पड़ी थी, देखो कितनी वो है, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, केदारकंठा की बहुत हार्ड हो रखी थी, ये देखो देखो क्या भयानक बर्फ़ गिरी है ऊपर, बस मंदिर आने वाला है, रास्ता देखो ऊपर, देखो कितनी भयानक भयानक गिरी है बर्फ, मज़ा आ रहा है यार, और सोलो राइड का कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले कुछ भी करो, ना तुम्हारे आगे कोई ना तुम्हारे पीछे कोई, कोई टेंशन नहीं, अकेले रहने के भी बहुत फ़ायदे हैं भाई, समझे, ना आगे कोई, ना आगे जाने का कोई टेंशन, ना पीछे छूटने का कोई टेंशन। देखो यह आकाश कुंड,
दोस्तों पानी तो है नहीं पूरा तुंगनाथ तक, ऊपर चंद्रशिला तक भी पानी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि क्या बताऊँ, तो इसलिए यार बर्फ़ खानी पड़ रही है। आहा बहुत मजबूरी है, सब लोग बर्फ़ ही खा रहे हैं, क्या कर सकते, पानी ही नहीं, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही। अभी मैं घर से जब वो लिया था ना रूअफ़ज़ा वूअफ़ज़ा, यहाँ गोला बना के खाता काला खट्टा वाला, ज़बरदस्त मज़ा स्वाद आया था भाई। बोल आहा वो देखो वो है ऊपर मंदिर, मंदिर आ गया मैं, बस चलता हूँ मंदिर। प्यास लग रही है यार बहुत ज़्यादा, यहाँ देखो कोई दुकानें खुली नहीं है, कोई दुकानें खुली नहीं, सब के सब बंद है, सब चले गए ना यार। आहा हाथ जम गए रे। ये देखो यहाँ रस रस के पानी आ रहा है, तब जाके कईयों ने बोतलें लगा रखी हैं तो पानी पी रहे हैं भाई। देखो सब जगह सोलर लाइट चलती है यहाँ पे, भयंकर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, भयंकर चिड़िया। ओहो देखो चंद्रशिला के लिए इधर का ये वाला रास्ता है, ठीक है, तुंगनाथ टेम्पल ये है, देखो आ गया मंदिर, वो रहा ऊपर मंदिर, ठीक है ये है रास्ता और ये हूँ मैं, ठीक है। इधर का व्यू तो देखो तुम, तगड़ा यार, इतना खतरनाक व्यू है, देखो चलो चलता हूँ मंदिर की तरफ को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो आ गए हम श्री तुंगनाथ, जय बाबा तुंगनाथ टेंपल दर्शन सूचना, जय बाबा तुंगनाथ। घंटी भी क्लोज है, आराम से आए। देखो ये है तुंगनाथ मंदिर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेंपल है ना, और पहुंच गया हूँ मैं तुंगनाथ। ये देखो सब लोग फोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है ना, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। हम देखो नंगे पैर बर्फ़ में चल रहे हैं, क्या करें, मंदिर में जा नहीं सकते ना जूते लेके, दैट्स वाई। कितना प्यारा मंदिर है ना ये, वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेंपल। नीचे का माहौल तो देखो भाई, कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, पता है मैं बर्फ़ खाते खाते ही आ रहा हूँ, आधा एक किलो बर्फ़ खा दी होगी मैंने, क्योंकि यहाँ पानी की बंदोबस्त है ही नहीं, सब चले गए नीचे, ना कोई दुकान है ना पानी का बंदोबस्त है। वो है उधम कुंड है ना, ये पीछे वैसे केदारनाथ की शिला नहीं लग रही, केदारनाथ पीछे शिला है वैसी ही नहीं लग रही, देखो तो ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। घंटियाँ अभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि भयंकर कहाँ पे क्या होगा, मतलब इतनी थकान जो लगती है ना, इतनी थकान, इतनी भूख, इतनी प्यास, यहाँ के सब बराबर हो जाती है, सब बराबर हो जाती है, बहुत मज़ा आता है। चलो ऊपर चल ही लेते हैं, थोड़ा सा चलना ही पड़ेगा। ये दो टेम्पल, वो छोटे छोटे मंदिर, नंदी भगवान जी, ये देखो तुंगनाथ टेंपल नज़दीक से देखो। चलो ऊपर भी कुछ थोड़े थोड़े छोटे मोटे टेंपल है ना, वो भी दिखाता हूँ आपको। देखो एक मंदिर ये है, ओ बाबा ठंडा हो रहा बहुत ज़्यादा। देखो एक मंदिर ये, छोटे छोटे मंदिर ये हैं, देखो भैरवनाथ मंदिर ये है ना भाई,
नहीं टिक पाऊंगा मैं, नहीं टिक पाऊंगा मेरा।